हम बनाने जा रहे इटालियन पकोड़ा। माय नेम इज शनाया त्रिवेदी। मैं 5 साल की हूँ और मैं आनंद निकेतन स्कूल में पढ़ती हूँ। पहले हम लेंगे पोहा। पोहा लेने के बाद सूजी लेंगे। फिर हम लेंगे बेसन। फिर उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लेंगे रेड चिल्ली। फिर हम लेंगे सीजनी। फिर लेंगे ओरिगेनो। फिर लेंगे गार्लिक पेस्ट। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है क्योंकि हमने सब कुछ डाला है। गार्लिक पेस्ट लेने के बाद हम लेंगे सॉल्ट। वो लेने के बाद हम लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल लेने के बाद हम ढक देंगे। फिर दही कर्ड लेंगे। कितना अच्छा कर्ड है, बच्चे को पसंद भी आता है खाने से। पहले कर्ड डालने के बाद हम सोडा डालेंगे। पहले जो हमने बहुत सा पहले डाला था सोडा डालने के बाद हम धनिया डालेंगे। कितनी स्मूथ है धनिया। धनिया डालने के बाद मिक्स इन करेंगे। कितना ये कितनी अच्छी से बना रही है क्योंकि हमने अच्छे से बनाया। अब ये मिक्स होने के बाद पानी डालेंगे। 1 चम्मच पानी। सब डाल लेंगे पानी। हमको बैटर बनाना है। फिर और थोड़ा पानी चाहिएगा। पानी रहने के बाद मिक्सिंग करेंगे। देखो कितना अच्छा है बैटर। इतना ठीक होना चाहिए। अब हम उसको खाली स्प्रेड कर देंगे। अगर जब नहीं बैटर होगा तो ही पकौड़ा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब हम ये कितना स्मूथ पकौड़ा है। अब हम उसको पकौड़े बनाना जाएंगे। चम्मच से छोड़ने चल लिया। पकौड़े रखेंगे चम्मच से। अब हम उसमें
थोड़ा सा अब हम चाट मसाला डालेंगे। अच्छा बना है, आप भी बना सकते हो का तो हम भी बना सकते हैं। पहले हम बनाने के बाद हमको नीचे नैपकिन रखने पड़ेगा, तो ही हम उसको ऊंचे ऊपर सके। अगर जो आप जो गरम गरम बनाओगे तब मम्मा के साथ काकर दादी के साथ बनाना। होप यू लाइक माय वीडियो, स्टे होम बी सेफ, बाय। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी खा सकते हो। बाय।